हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज फिर मैं आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ में और नए शिकार पॉइंट का वीडियो के साथ में आ गया हूँ। ये आप लोगों का ही प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की ही क्या बोलते हैं सपोर्ट है कि मैं इतना वीडियोस और इतनी फिशिंग ट्रिप्स बना के मैं आप लोगों के पास पहुंच रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आज जा रहा हूँ एल्लमपल्ली रिजर्वायर प्रोजेक्ट के पास में डैम पे फिशिंग करने के लिए। जैसे मेरे लास्ट वीडियो में देखे थे आप लोग, वो पोचम पहाड़ निजामाबाद का था। तो आज फ्रेंड्स मैं नया जगह जा रहा हूँ। वहाँ पे सुना है मेरे बड़े सीनियर लोगों से कि बहुत बड़े बड़े फिशेस है उस प्रोजेक्ट में। सो ट्राई करते हैं, लेट्स सी कैसे होगा आज का वीडियो। बड़े यार आप लोग प्यार देते रहो, ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहो तो और भी मैं जरूर अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ में आ रहा हूँ। मैं भी मेरा फरवरी में मेरा प्लान है बहुत अच्छे वीडियोस बनाने का, राजमंड्री काकीनाड़ा वाइजैग का। सो तो फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार ऐसे ही जारी रखिए और मैं अपने वीडियोस भी जारी रखूंगा। स्टे ट्यून, थोड़ा सा आप लोग को रोड का नजारा दिखा देता हूँ। ये जगित्याल से एल्लमपल्ली जाने की रोड है, यहाँ से 70 किलोमीटर का रास्ता है। तो होपफुली सेफली जाएंगे इंशाल्लाह और शिकार करेंगे। कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा सा अच्छा बड़ा सा बड़ा फिश पकड़ के कैच करके आप लोगों को दिखाऊं। शिकार तो बोल नहीं सकते कैसा होगा, बट इंशाल्लाह ट्रिप तो अच्छा होगा। तो आप लोग स्टे ट्यून करो, मेरा वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और यार कमेंट्स करो। कमेंट्स ही बहुत ज्यादा मेरा जज्बा बढ़ाते हैं और भी वीडियोस लाने के लिए। सो स्टे ट्यून। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं श्रीपादा एल्लमपल्ली डैम रिजर्वायर के रोड पे। सो अब हम ये जो कमान देख रहे हैं एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट का ही है, तो हम लोग अभी उधर एंट्री ले रहा हूँ मैं। देखते हैं कैसे होगा शिकार पॉइंट वगैरह, मैं आपको बताऊंगा। आप लोग देखते रहो, स्टे ट्यून करो। प्रोजेक्ट के तरफ, डैम के तरफ जा रहे हैं। ये डैम का एरिया है, डैम का एरिया है। यस, एल्लमपल्ली रिजर्वायर है इधर। ट्राई करो बोल रहे, शायद दो स्पॉट बोला, इधर भी कर सकते हैं और उधर डाउन में नीचे भी जाओ बोला। दोनों स्पॉट देख के मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ क्या है सिचुएशन। हेलो वंस अगेन, कम बैक टू माय वीडियो। मैं नए वीडियो के साथ में आ गया हूँ। मैं आज आया हूँ एल्लमपल्ली रिजर्वायर जो मंचिरियाल के पास में है। अब मैं यहाँ पे सिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी कैसे होगा। आप देख सकते हैं मैं अभी पूल के नीचे हूँ, मैं डैम में रिजर्वायर में वहाँ नहीं कर रहा हूँ, पूल के नीचे कर रहा हूँ। तो फ्रेंड स्टे ट्यून करो, अपडेट रहो, चेक करो सारे वीडियोज को। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मैं अब मेरा पहली गोली स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या होगा। सिंह की छड़ी है फ्रेंड्स, अभी डाला जल। देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल मिलता है डायमंड पे ऐसा। ये सिग्नल मिल रहा है, देखिए दोनों भी नखरी आ रहे हैं डायमंड। जब हाथ उठाने का है फिश मार दिया। हाय फ्रेंड्स, हेलो। पोचम पहाड़ का, सॉरी
एलमपल्ली रिजर्वायर का फर्स्ट फिश अभी जस्ट उठाया मैं। मेरे भाई भी हेल्प कर रहे हैं, श्रवण भाई लोकल जो एंगलर है। देखेंगे क्या साइज है, मेरे अंदाजे से साइज तो ठीक ही दिख रहा है। और कोसी मच्छी है, मैं अभी आपको अपडेट कर दूं, आप वॉच करते रहो। जल्ला चापा है, तो फ्रेंड्स ये पहली मच्छी है एलमपल्ली डैम की। इसमें श्रवण भाई का बहुत हेल्प है मेरे लिए, थैंक यू श्रवण भाई। ओके वेलकम, मेरे तरफ से भी आपको बराबर सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच। यस फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट अचीवमेंट। प्लीज यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना पूरा आप लोगों के लिए सुबह से लेकर शाम तक। सो ये फिश है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट, लाइक, शेयर, थैंक यू गाइस। यहाँ पे सिर्फ एक ही मच्छी मिली, 1 किलो की। शिकार थोड़ा सा टाइट है, गर्मी बहुत हो रही, तो मैं सोचा ऊपर जाके थोड़ा खाना खा लो। वहाँ ऊपर जाना पड़ेगा उतना ये जंगल के एरिया से, आपको दिखाऊंगा जंगल के एरिया में। तो फ्रेंड्स ये पूरा डीप प्रोन एरिया से पूरे कांगड़िया है इधर जंगल में, मतलब जंगल से भी खतरनाक है पूरा। शहर पर है अलग बात है, जो शहर में रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखता। तो आप लोग देखो मेरा वीडियो। आ रहा है आवाज़? आ रहा नहीं, गिरे ना, गिरा ज़्यादा नहीं, गिरा कितना गिरा? तो आई एम एंजॉयिंग इट, बहुत एडवेंचरस ट्रिप है ये। हाँ मेरी हालत ग्रेहाउंड वालों की जैसी हो गई, अब उनका जॉब देख के समझ में आ रहा है कितना टफ होगा जो जंगलों में। पर पर्सन हमारे जो आर्मी के जवान हैं या ग्रेहाउंड्स के 25-50 kg अपने बॉडी पे लेके घूमते सर। हेड्स ऑफ CRPF, BSF, ग्रेहाउंड्स, पुलिस डिपार्टमेंट, सबको आज मालूम हो रहा कितनी तकलीफ होती है। फाइनली गाइस अब आ चुका हूँ मैं ऊपर, बात करने के था सांस चढ़ रही, बट लाइक करो, बहुत मेहनत करना पड़ता, लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंकरेज करते हैं, एनर्जी मिलता है। एंड शेयर करो, चैनल को बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर एक नया वीडियो मेरा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे ट्यून्ड गाइस।